गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। और मैं आपको बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो हमने बेविन का नाम बेविन से हमने बेविन किया था। तो अभी क्या है कि अभी हम नौकरी बात ही नहीं कर रहे। हाँ, बर्ड बर्ड बर्ड। तो बेविन से बेविन चेंज हो गया है, बर्थ सर्टिफिकेट आ गया है बेविन का। न्याने में खरे सेट तो अभी हम जा रहे हैं आधार है। जहाँ आधार कार्ड जो ऑफिस है वहाँ पे इसका आधार कार्ड में भी चेंज करवाना है। तो अभी हम जा रहे हैं अक्षरधाम, जहाँ के इसका वो सब फोटो वगैरह ली जाएगी और चेंज किया जाएगा इसका आधार कार्ड में भी। निकल गए आधार कार्ड के लिए पहुँचने वाले। अभी तो बहुत कार, क्या ये What is this? बेबी ने कार देख रहा है। कार बेबी को बहुत पसंद है ना। बेबी हाय कर दो। कार तो हाय परी। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जा रहे हैं अक्षरधाम फॉर आधार कार्ड। तो चलिए अब देखते हैं कितने दिन में बनता है। मतलब ये आपको तो जैसे मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा था कि हम सीएम ऑफिस गए थे, क्या क्या किया था हमने चेंज करवाने के लिए, जो स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, एच एक्स्ट्रा लगाया हुआ था। तो अभी वो हो गया है, तो अभी हम जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चल पड़े हैं यारो हम पैसे को उड़ाने। तो ये है हाईवे, जैसे कि आप पहले भी देखते हैं। बेविन हाय। नोएडा भी तो होंगे होने कहीं ना कहीं। यथार्थ ग्रेट नोएडा में भी तो है। बीपी आधार कार्ड का यार। अक्षरधाम आप रो रहे थे ना। तो ये है कतर वीजा सेंटर, यहाँ पे ये वीजा बनता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आधार कार्ड के लिए। तो अभी आपको दिखाया वहाँ पे। तो ये आधार सेवा केंद्रिया। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं अंदर इसके। तो साइन वगैरह हो गया, अब यहाँ से ले रहे हैं टोकन। तो ऑनलाइन टोकन भी है और वॉक इन अपॉइंटमेंट भी है यहाँ पे। तो ये है आधार कार्ड सेंटर, यहाँ पे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पैविन तो हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे हम टोकन हमने जो लिया था अभी यहाँ पे आए हैं C01 पे। और यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज हो रही हैं। खड़ी खड़ी है वो, देखो रेड कलर की दिख रही होगी आपको। तो बस हमारा काम हो गया और अब हम जा रहे हैं घर वापस। पापा गॉन, पापा गॉन। और सुमित चले गए ऑफिस। माँ गाड़ी चला रही है, मैं आगे बैठी हूँ और व्योम और नानी पीछे बैठे हैं। और बेबी पीछे बैठे हैं और नानी भी। हम घर जा रहे हैं वापस। और हम घर जा रहे हैं वापस और घर जाके हम फिर से आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो फिर बाद में बात करते हैं। बाय बाय। आई मात। दोस्तों हम घर वापस आ गए और घर आकर नाश्ता पानी हो गया है हमारा। मेथी के परांठे थे और चाय थी। तो और दूसरा क्या है कि मैं आपको बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुई है हमारे साथ। प्रॉब्लम ये हुई है कि जैसे कि हमने जब बेविन का, जब वो बेविन एच लिखाया गया था ना नाम आधार कार्ड पे, तो क्या हुआ था कि अब वो उसमें ध्यान नहीं था कि वो जो थंब, जो फिंगर इम्प्रेशन क्या होता है यार, होता है जो भी होता है यार, प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा मुझे। थंब इम्प्रेशन जो थे ना वो मतलब वो गलत किसके लगे थे, वो मेरे लगे थे जब अभी छोटा था, जब हम इसका आधार कार्ड बनवाया था, मेरे लगे थे या इनके लगे थे, मतलब इसके पापा के। तो अब वो हमें माइंड में नहीं है कि कौन बैठा था किसके लगे थे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर मतलब जिसने पहले थंब इम्प्रेशन लगाए थे ना वही लगाएगा, वही साइन करेगा। अगर वो उसने नहीं किया तो फिर रिजेक्शन हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अब वो ध्यान में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपने छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनवाने जाएं तो माइंड में रखें कि किसका हमने वहाँ पे
साइन करवाए थे और थंब इम्प्रेशन दिलाए थे, क्योंकि हमारे साथ ये दिक्कत होगी और ना ही हमारे पास कोई स्लिप है किसने किया था, कौन बैठा था बेविन के साथ, तो इसीलिए थोड़ा ये इशू हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने वो बोला कि अगर ऐसा कुछ होगा तो वो 5-7 दिन में अगर कोई रिजेक्शन होगा तो आ जाएगा कि किसका है अभी, क्योंकि आज जो किया है वो सुमित ने किए हैं तो मैंने नहीं किए, और मेरे को लग रहा है कि शायद मैंने किए थे, तो अभी वो पता चलेगा 5-7 दिन के अंदर कि किसका अगर रिजेक्शन हुआ तो। वैसे जो बनकर आएगा आधार कार्ड वो आएगा 0 to 90 डेज का मैक्सिमम और मिनिमम टाइम है, तो बोल रहे हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर बन के आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो मैं तो यही बोलूँगी कि भगवान करे कि वो बन जाए जल्दी से, कोई रिजेक्शन ना आए, क्योंकि बार बार वहाँ जाना ना, वैसे तो बहुत अच्छा ऑफिस है, मतलब ऐसा नहीं है, रश नहीं है वहाँ पे, जैसे कि अभी आपने देखा बिल्कुल खाली था और हम सुबह सुबह जाकर आ गए। तो बस मैं रिजेक्शन के लिए वैसे आया तो नहीं है, बट हो सकता है आ जाए 5-7 दिन के अंदर, क्योंकि प्रॉब्लम तो हुई है थोड़ी सी, और ना तो उनको याद है ना मुझे याद है, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि शायद मैंने ही करवाया। अब मैं आपको लग रहा हूँ मैं बहुत बोर कर रही हूँ, ये बोर वाली बात नहीं, ये बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके साथ ऐसा हो कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी, या फादर मिस्टेक हो गया, या मदर के स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, मदर का नाम गलत कर दिया, बर्थ डेट गलत कर दिया, बर्थ सर्टिफिकेट में आपने आधार कार्ड बनवाया, तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। सो चलिए अभी घर तो पहुंच चुके हैं और नाश्ता भी हो गया है, तो अभी मिलते हैं कल नाइट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।